आज मैं दो एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा जिससे आपका पेट भी कम होएगा, जो हमारी थाई पे फैट आया होता है वो भी कम होएगा। इस कुर्सी की सहायता से आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हो। करना क्या, आपको एक चेयर ले लेनी है। चेयर लेने के बाद आपको राम राम से करना है भाई, चेयर के साथ ऐसे करके आपको करना है एक, फिर एक के बाद फिर आपको दूसरी लेग करनी है, ऐसे करके हाथ भी करने दो। इससे भाई क्या होगा, आपके जो थाई पे फैट आया होता है वो भी कम होएगा, जो हमारा पेट भी होता है वो भी कम होएगा। तो आपको करना कैसे आप देख लो ध्यान से। आपको पहले एक लेग्स लग के आपको नहीं लेग्स ऐसे, हाथ अपना एक हाथ ऐसे रहेगा, हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे एक, फिर दूसरी दो, फिर तीसरी तीन, फिर चार। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आराम से करना भाई, अगर जल्दबाजी में करोगे चेयर वगैरह गिर सकते हैं, तो थोड़ा आराम आराम से करना जिससे आपको मज़ा आएगा। आपको करना क्या है, मैंने आपको दोबारा बता, एक बार ध्यान से देख लो बस, एक पैर ऐसे रख के बिल्कुल आराम से बता रहा मैं, ऐसे पैर रख के हाथ को ऐसे करके ऐसे एक ऐसे करना है। ये पहले एक्सरसाइज थी आपकी, इसके आपको नहीं है चार सेट लगाने, कम से कम चार सेट, चार मतलब माने तो 40 रेपिटेशन लगानी है एक टांग की आपको, जब भी जाके आपका जो पेट होता है वो कम होएगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की। सेकंड में क्या करना है आपको, चेयर लेके हाथों को ऐसे करके ऐसे रख लेना, आपको ये पैर ऐसे नहीं रखने दोनों, ऐसे पैर रख के आपको करना है ऐसे ऐसे एक दो तीन, तीन करने के बाद आपको फिर दूसरी टांग लेनी है ऐसे करके ऐसे ऐसे एक दो तीन। ये दो एक्सरसाइज आप करोगे ना, इससे भाई क्या होगा, जो हमारे थाई पे फैट आया होता है वो कम होने लग जाता है। भाई बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है थाई पे, मसल गेनिंग दिखती नहीं है। क्या बंदा जो मर्जी कर ले, जो हमारी मसल का फैट होता है वो दिखता नहीं, पर जो हमारा गंदा फैट होता है ना, जीदी फैट होता है वही दिखता है। अगर आप दो एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो भी पेट का फैट है, थाई का फैट है, वो कम हो जाएगा और आपकी बॉडी भी रहेगी फिट। थैंक यू।